चलिए थर्ड सेशन में स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेशन में मैंने आपको बोला था कि इस टाइप्स के न्यूमेरिकल भी जीटीयू पूछता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, एन अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग बिटवीन -16 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू सिस्टम इज 5 केजी पर मिनट। The temperature of the vapor refrigeration after compression is 76 degrees Celsius. देखो 30 था 76 मतलब सुपर हीटेड की कंडीशन बता रहा है। Assume no intercooling of liquid refrigerant. Calculate ice production in kg per hour from water at 22 degrees Celsius and ice at -4 degrees Celsius. एक्चुअली ये लेटेंट हीट के बारे में बोल रहे हैं, तो जब ये न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं उसमें आपको बताता हूँ। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर एंड इवेपोरेटर। देखिए क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट जैसे वर्ड यूज किया मतलब आपसे उसने डायनस फ्रैक्शन के बारे में पूछा। थर्ड, COP ऑफ द सिस्टम। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर इन मीटर क्यूब पर मिनट। जैसे उसने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा है मतलब आपसे वो आइदर वॉल्यूम पूछ रहा है या स्ट्रोक लेंथ पूछ रहा है, तो ये चीज़ को आपको क्लियर करना है। निगलेक्ट क्लियरेंस एंड पावर ऑफ कंप्रेसर मोटर। अब देखिए पावर ऑफ कंप्रेसर मोटर, इफ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज 85% एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज 95%। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि मोटर पावर ऑफ कंप्रेसर मोटर इफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। देखो पावर ऑफ कंप्रेसर मोटर इफ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 85%, ठीक है, एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज 95%। एक्चुअली जब आप इसके डायग्राम पे जाओगे ना, तो इसका जो डायग्राम बनता है जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से जो बनता है ना, सॉरी चलिए नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ इस चीज को। फॉर वाटर CP की वैल्यू 4.1867 किलो जूल पर केजी कार्बन, फॉर आइस CP की वैल्यू जो है वो 2.1 किलो जूल पर केजी कार्बन, एंड एल लेटेंट हीट के बारे में बता रहा है 333 किलो जूल पर केजी। अब अमोनिया का उसने चार्ट देके रखा हुआ है कि -16 डिग्री और +30 डिग्री पे आपकी सेंसिबल इनथैल्पी लिक्विड या फ्लूइड के लिए हम लोग HF लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये HF की वैल्यू दी हुई है और वेपर की वैल्यू को हम लोग HG लेवल यूज करते हैं। ठीक है, अब HF और HG अगर आपके पास दिया हुआ है तो यहाँ से आप HFG निकाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दिए हैं तो कैसे निकालेंगे, आपके पास HG का फॉर्मूला है, तो HG इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा HF प्लस HFG बराबर है। तो अगर ये वैल्यू दी है तो ये दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड गैस पता चल जाएगा। सिमिलरली स्पेसिफिक एंट्रोपी मतलब S के बारे में दिया है, SF के बारे में दिया हुआ है और SG के बारे में दिया हुआ है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे VF और VG के बारे में बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम फ्लूइड का इतना है और गैस का इतना है। क्लियर है, इसके साथ एक और वर्ड इसने यूज़ किया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर अमोनिया एट 30 डिग्री सेल्सियस CP की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे CP की वाटर की वैल्यू देके रखा था, यहाँ पे CP की अमोनिया की वैल्यू देके रखा है 3.25 किलो जूल पर KG कैल्विन। चलिए न्यूमेरिकस में चलते हैं, तो इवोपरेटर टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस और कंप्रेसर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मास फ्लो रेट आपका 5 केजी पर मिनट है। ठीक, अब जब ये दोनों टेम्परेचर देके रखा है तो उसने आपको बोला कि वो सुपर हीट हो रहा है, इसलिए आपको उसने T2 की वैल्यू गिवन देके रखी है।
क्या क्या निकालना है? तो आपको पहले x1 और x4 की वैल्यू निकालनी है। x1 और x4 कहाँ पे आया? तो उसने क्या बोला, एंटरिंग रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर, तो 0.1, और इवोपरेटर तो 0.4, क्योंकि क्योंकि अपना जो डायग्राम बनता था वो ऐसा बनता था, तो ये 0.4 हुआ और ये 0.1 हुआ, मतलब x1 और x4 की वैल्यू उसने फाइंड आउट करने को बोला। उसके बाद CP की वैल्यू पूछा, उसके बाद वॉल्यूम पूछा, उसके बाद पावर पूछा। अब ये MI क्या है? तो MI के लिए उसने बोला है कि आइस प्रोडक्शन इन KG पर आर, ठीक है, तो कितना आइस प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आइस प्रोड्यूस का हम लोग बाय वेट उसको दिखाएंगे, इसलिए उसने MI वर्ड यूज़ किया। आप कुछ भी यहाँ कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन जो देख के रखा है वो आपने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ये चीज़ें हमारे पास गिवन है जो हमने को काम में आएंगे। चलिए, अब सबसे पहले उसने पहले बता दिया कि सुपर हीटेड का केस है, इसलिए आपने फॉर्मूला यूज़ किया, H2 इज इक्वल टू क्या हुआ, तो Hg2 प्लस CpV टी सुपर माइनस टी सेचुरेटेड, ठीक है। अब टी सुपर और टी सेचुरेटेड कहाँ कहाँ से दिखाया, तो ये देखो, जब आप अपना PV और TS डायग्राम, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ मैं बताता हूँ, मतलब आप जब PV डायग्राम बनाते हैं तो आपका ये पॉइंट और ये लाइन बनती है, और इस बेसिस पे आपका एक डायग्राम तैयार होता है, ये देखिए कुछ ऐसा करके, और ये तो ये जो है, इस पॉइंट को हम लोग टी सुपर बोलेंगे, सॉरी सैचुरेटेड बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे टी सैचुरेटेड, और इस वाले टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग टी सुपर हीटेड, बराबर है। मतलब जो ऊपर गया वो सैचुरेटेड सुपर हीटेड, और जो आपके क्या बोलते हैं पीएच चार्ट के अंदर में रह गया वो हो गया सैचुरेटेड। तो आपको सैचुरेटेड और सुपर हीटेड दोनों वैल्यूज दे के रखी है। दोनों वैल्यूज कैसे, तो जो कंप्रेसर के अंदर गया वो 30, मतलब ये जो रहा ये आपका सैचुरेटेड है, और जो आपका एक्स्ट्रा ये वाला जो पार्ट आया वो सुपर हीटेड हो गया। तो ये देखिए 303 एंड 349, तो उसने क्या किया, 349 टी सुपर माइनस टी सैचुरेटेड, बाकी वैल्यूज आपके पास दी हुई है, तो इसके बेसिस पे आपने H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्लियर है। अब अगर आपने H2 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो उसी तरीके से आप S2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। S2 के लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस नेचुरल लॉग T2 अपॉन T2 डैश लिखना है, या टी सुपर अपॉन टी सैचुरेटेड लिखना है। तो जब ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको पता है कि S1 इज इक्वल टू S2 होता है, और S1 का फॉर्मूला क्या हुआ, तो SF1 प्लस X1 S, एक्चुअली ये जो वर्ड यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है HG माइनस HF, और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या हो जाएगा, तो HFG की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, SF प्लस X इंटू SFG, ये SFG के लिए SG माइनस SF लिख रहा है, ये डाउट मत रखिएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। इज इक्वल टू S2, और S2 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है, तो इसमें जो अननोन वैल्यू है वो केवल ये है। तो आपने ये अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, मतलब आपने नेचर बता दिया कि ये वेट स्टीम है और ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसका 0.97, ठीक। अब अगर X1 आपका निकल आया, तो ये S1 को जब यहाँ पे रखेंगे, तो आपका H1 का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, HF1 प्लस X1 इंटू HFG1, क्लियर है। तो अब इसके बेसिस पे आपने H1 निकाल लिया। इसी तरीके से H3 जब आपको निकालते, ये देखो H1 आ गया, आपके पास पुराने टाइम पे H2 आ गया, अब केवल आपको H3 निकालना था। तो आपको H3 कौन सा टेम्परेचर है, तो आपने क्या किया, दो ही टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपने अगर इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा और इसको 3 लिखा, तो आपको पता चल गया कि जो थर्ड इवोपरेटर नहीं कंप्रेसर वाला टेम्परेचर था, कितना टेम्परेचर था, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे जो SF की वैल्यू होगी वो HG के इक्वल हो जाएगी, इसलिए आपने लिखा HF2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू 341.76। यहाँ तक क्लियर है।
आपका अब देखो H1 H2 H3 तीनों आ गया, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो H1 माइनस H4, तो आपने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकाल लिया। अब कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, 5 के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकाल लिया या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं वो, तो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोड्यूस रिड्यूसिंग आइस एट -4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 22 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री जाने में कितना हीट उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि क्यू कितना होगा, तो सी पी ऑफ वाटर कितने से, तो 22 डिग्री से जीरो पे आने के लिए, प्लस सम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट जो आपके पास गिवन दिया हुआ है, प्लस अब -0 डिग्री से -4 डिग्री जाने पे कितना टेम्परेचर, तो सी पी ऑफ आइस 0 -4। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये इक्वेशन निकल आएगा। तो मास ऑफ आइस प्रोडक्शन MI कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी जो आपने यहाँ से निकाल के रखा है, डिवाइडेड बाय हीट रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वाटर। तो वाटर से कितना एक्सट्रैक्ट हुआ, तो इसने बताया कि 12.34 केजी पर मिनट का आपका आइस का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, और अगर आर्स में रख दिए तो ये हो गया 740.55 केजी पर आवर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो आपने X1 की वैल्यू निकाल ली। अब आपको X4 की वैल्यू अभी भी अननोन है, है ना, तो X4 की वैल्यू अननोन है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, H3 = H4। ठीक, अब H3 की जगह पे मैंने क्या लिखा, तो SF3 लिखा, और X4 की जगह क्या होगा, तो HF4 प्लस X4 इंटू HFG4 रख दिया। अब ये वैल्यू और ये तीन वैल्यूज नोन है, तो आपको X4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखिए उसने वही किया, ये है आपका H3 की वैल्यू, ये HF4 और ये HG4 माइनस SF4। तो इसके बेसिस पे आपका डायनेस फ्रैक्शन निकल आया। अब COP ऑफ द सिस्टम, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन द वर्क डन, तो आपने ये लिखा तो COP निकल आया। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द कंप्रेसर सेक्शन। तो सेक्शन के टाइम पे जो कंप्रेशन था वो था गैस के फॉर्म में, इसलिए VG1 इसके साथ उसका डायनेस फ्रैक्शन X1 इंटू मास। तो जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यूनिट जो आएगा मीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेशन कितना हुआ, वो इतना लगेगा। और पावर सप्लाई टू कंप्रेसर मोटर कितना होगा, तो पावर सप्लाई आइडियल के केस में, अब देखो यहाँ पे उसने केसेस दिए हुए थे 85 और 95, ये उस बेसिस पे निकलना है। तो आइडियल पावर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसर कितना होगा, तो M × H2 - H1। अब M क्या था, तो 5 kg/min था, मैंने इसको सेकंड में लेके गया, तो सेकंड में लेके गया और इसको सॉल्व किया, तो मेरे को पता चला कि 18.649 kJ/s या kW, तो ये निकल आया, ये आइडियल केस था। अब एक्चुअल केस क्या होगा, तो आपने उसमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 85% थी, तो आपने 18.64 डिवाइडेड बाय 0.85 निकाला, तो एक्चुअल इतना आ गया। अब पावर रिक्वायर्ड बाय मोशन कितना होगा, तो आपका जो एक्चुअल पावर था उस पावर के साथ अगर 0.95 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आपकी मोटर की एफिशिएंसी भी 0.95 मतलब 95% है, तो ये निकाला, तो अब आपका एक्चुअल रिक्वायर्ड बाय पावर रिक्वायर्ड बाय मोटर जो है वो निकल आएगा। क्लियर, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद से इसको कंप्लीट करिए। चलिए अब आता है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो उस समय बहुत सारे लॉसेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो जब लॉसेस को कंसिडर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, तो हमारी जो साइकिल है वो कुछ स्टेप्स की बनी। क्या बना वो देखिए,
जब मैंने वर्क किया तो आपको पहले बताया गया था कि दो प्रेशर पे वर्क करता है, तो वो दो प्रेशर कौन कौन से थे, तो इवोपरेटिंग प्रेशर और कंडेंसेशन प्रेशर था। लेकिन जब यहाँ पे न्यूमेरिक मतलब जब एक्चुअल में आइडेंटिफाई किया गया तो यहाँ पे दो की जगह चार हो गए। चार कैसे, तो यहाँ से जब इवोपरेटर से वो बाहर निकला तो वो इवोपरेटिंग प्रेशर पे जाने के बाद कंप्रेशर जो सक कर रहा है वो दोनों के प्रेशर में डिफरेंस पाया गया, एक्चुअल डिफरेंस पाया गया। तो ये कंप्रेशर प्रेशर और ये इवोपरेटिंग प्रेशर वो दोनों जो है वो पॉइंट पे मिले, वो है 2 से 3 पॉइंट पे। तो ये 2 से 3 पॉइंट पे आपका प्रेशर ड्रॉप हो गया, इसलिए याद कर लीजिए 1 से 2 एक्चुअल इवोपरेटिंग प्रेशर है, 2 से 3 जो है वो प्रेशर ड्रॉप हुआ, और 3 से 4 जो है, अब 3 से 4 जो है यहाँ पे वो सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्रेसर को हीट मिल रहा है। अब हीट मिलने के बाद प्रोसेस जो है वो 4 से 5 पे जाएगा, मतलब कंप्रेसर सक्शन प्रेशर से कंप्रेसर डिलीवरी प्रेशर पे आएगा। लेकिन डिलीवरी प्रेशर और कंडेंसेशन प्रेशर ये दोनों में भी डिफरेंस था, तो ये क्या किया, पहले थोड़ा सा आगे की ओर मूव किया, जहाँ पे यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग हो रहा था यहाँ पे उसकी अपोजिट सेंसिबल कूलिंग होगा। कूल होने के बाद अगेन प्रेशर ड्रॉप होगा, तो प्रेशर ड्रॉप इन डिलीवरी बॉल, और उसके बाद वो अपना देखो ये देखो सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस चालू हुआ, यहाँ से कूल करना चालू हुआ और एक्चुअली कंडेंसर में गया तो वो प्रोसेस कम्प्लीटली कूल, मतलब 7 to 8 सेंसिबल कूलिंग है और 8 to 9 जो है वो पूरा एक्चुअल कूलिंग है। अब जब हम आइडियल पढ़ते थे तो आइडियल के केस में हम जो है वो सेंसिबल कूलिंग यहाँ पे डालते थे, सॉरी सब कूलिंग यहाँ पे डालते थे, लेकिन एक्चुअल में देखा गया कि यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग नहीं होता है, लिक्विड चेंज नहीं होता है उसका स्टेज, वो सैचुरेटेड पे ही मेंटेन रहता है, बस उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ एक्चुअली जो 10 पॉइंट यहाँ जाना था एक्चुअली वो 10 पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आया 9 to 10। ओके, अब 10 से जो है 11 पॉइंट वो हुआ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या एक्सपांसन प्रोसेस। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या आइडियल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सेंसिबल कूलिंग पार्ट, ठीक है, और सेंसिबल हीटिंग पार्ट, ये दोनों पार्ट्स को याद रखना है और इसके बेसिस पे आपको ये डिजाइन करना है। ठीक है, बस इसके लेक्चर में मतलब यहाँ पे ये डिफरेंस पार्ट आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करते वक्त आप 11 to 1 जो है नॉर्मल बताएंगे, 1 से 2 जो है सुपर हीट का बताएंगे, 2 से 3 प्रेशर ड्रॉप, 3 से 4 सेंसिबल हीटिंग, 4 से 5 जो है वो एज यूजुअल प्रोसेस, 5 to 6 सेंसिबल कूलिंग, 6 to 7 प्रेशर ड्रॉप, 7 to 8 अगेन सेंसिबल कूलिंग, देन 8 to 9 कंडेंसेशन प्रोसेस, 9 to 10 सब कूलिंग प्रोसेस, और 10 to 11 एडियाबेटिक प्रोसेस या एक्सपांसन प्रोसेस। क्लियर, ये इसका लिटरेचर पार्ट है, ये आप देख लीजिएगा। अब आता है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक न्यूमेरिकल पार्ट था, अब दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ VCR सिस्टम। तो फैक्टर कौन कौन से हैं जो VCR सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ सेक्शन प्रेशर, मतलब जस्ट एक एग्जांपल हो कि आपका सेक्शन प्रेशर जो है वो ये था, अब सेक्शन प्रेशर को आपने डिक्रीज कर दिया, तो जैसे ही डिक्रीज किया तो ये 1 से 1' पे घिसक आया और ये 4 से 4 रहा, तो इसकी वजह से आपके COP पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ऑब्जर्व करिए कि COP का जो फॉर्मूला है वो डिज़ाइन किया गया है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन में वर्क डन बाय द कंप्रेसर WD। तो आप यहाँ देखो कि 1 से पहले 2 था, अब 1' से 2', मतलब आपका जो वर्क है वो बढ़ गया। ओके, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे देखोगे तो 1 से 4 था, अब जो है वो 1' से 4' एक्चुअली डिक्रीमेंट हुआ। ये देखो H1 से लेकर H4 था, अब वो H1' से H4 हो गया, मतलब अल्टीमेटली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो गया, मतलब वर्क डन बाय कंप्रेसर बढ़ा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली COP ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है,
मतलब सेक्शन प्रेशर को अगर मैंने डिक्रीज किया तो मेरी सीओपी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब सेकेंड आता है इफेक्ट ऑफ डिलीवरी प्रेशर। अब अगर डिलीवरी प्रेशर को मैं बढ़ा दिया तो मेरा डिलीवरी कहाँ से होता है, तो ये देखो मैं टू को बढ़ा देता हूँ। तो अगर टू को मैंने बढ़ाया तो ऑब्जर्व करोगे कि सेम प्रोसेस हुआ क्या, कि आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब आर ई जो था वो एक्चुअल में आर ई कितना था, तो एच वन माइनस एच फोर था। अब जो आया वो आया एच वन माइनस एच फोर डैश, आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो गया। और अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया तो सी ओ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई, अगर ये डिक्रीज हो गया तो सी ओ पी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब आता है थर्ड में, इफेक्ट ऑफ इवोपरेटर टेम्परेचर एंड कंडेंसर टेम्परेचर। अब इवोपरेटर टेम्परेचर कौन सा है, तो ये वाला टेम्परेचर है, और कंडेंसिंग टेम्परेचर कौन सा है, तो ये वाला टेम्परेचर है। तो याद होगा मैंने एक न्यूमेरिकल में बताया था कि अगर इवोपरेटिंग टेम्परेचर डाउन होता है तो आपका कंडेंसिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। याद है आपने माइनस समथिंग 23 डिग्री या 25 डिग्री कुछ लिखा था जिसमें माइनस 10 हुआ तो वो आपका माइनस 35 हो गया, ठीक है, इसमें कंडेंस हुआ। इसी तरीके से अगर 40 था और 40 प्लस 10 हुआ तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब इधर मैं माइनस कम किया उसी तरीके से इधर बन गया। तो अगर ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो फिर से सेम बात कि आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो पहले एच वन माइनस एच फोर था, अब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एच वन डैश माइनस एच फोर डैश है। आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो पहले यहाँ तक था अब वो घट के यहाँ तक रह गया, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया और अल्टीमेटली वर्क डन बाय द कंप्रेसर जो है वो भी बढ़ गया, तो सी ओ पी ऑफ द सिस्टम जो है वो दोबारा डिक्रीज हो गया विद सेम केस जैसा हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सेक्शन वेपर सुपरहीट। इफेक्ट ऑफ सेक्शन वेपर सुपरहीट, अगर कि जो कंप्रेसर है कंप्रेसर के पास वो सुपरहीट लेना चालू कर दे, तो अगर सुपरहीट लेना चालू करेगा तो अब आपका केस जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब ऑब्वियसली बात है पहला आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 1-4 था, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया। एट द सेम टाइम आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंप्रेसर वर्क भी बढ़ गया, दोनों सेम हो गए। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आता है, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम एच वन माइनस एच फोर टू एच वन डैश माइनस एच फोर, hence work input to the compressor increases from H2 minus H1 to H2 minus H1 dash due to diverging nature of isentropic line of important role. Here the specific volume also increases and hence mass flow rate reduces for the same displacement. मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली मास फ्लो रेट विद सेम डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, क्यों, क्योंकि मास फ्लो रेट रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली आपका रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो गया, और ये जो रेफ्रिजरेटिंग डिक्रीज हुआ तो ultimately on the other side increasing refrigerating effect will increase the capacity, hence the net is to decrease the COP and the capacity of refrigeration for the same amount. ठीक, आपको क्या बोलना है, refrigerating effect increase किया, at the same time compressor work भी increase किया, but due to increase in specific volume mass flow rate decreases, hence the net effect is decrease the COP. Clear? चलिए अब जो आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ लिक्विड सब कूलिंग। तो मैंने आपको बताया था कि अब जब हम स्टेट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सब कूलिंग होता है, तो जैसे हमने सब कूल किया है तो आपका जो पहले एक्चुअल था वो था H1 minus H4
फोर अब वो इंक्रीज हो गया एच वन माइनस एच फोर डैश। तो अगर सी ओ पी ने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज किया विदाउट अफेक्टिंग द वर्क आउटपुट, तो अल्टीमेटली आपका जो सी ओ पी है वो इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हुआ अल्टीमेटली सी ओ पी इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी के साथ इसमें कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पार्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब आता है बेल कोलिमन और रिवर्स ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल फॉर एयर रेफ्रिजरेशन। तो बेल कोलिमन बोलो या रिवर्स ब्रेटन बोलो या जूल साइकिल बोलो, दिस साइकिल इज यूज फॉर कूलिंग इन एयर प्लेन्स, मतलब एयर प्लेन मतलब एरोप्लेन्स हुआ या जितने भी टाइप्स के एविएटर मशीन्स हुए वो सभी में हमारा एयर एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करता है और सिस्टम को कूल करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो साइकिल यूज होती है वो कौन सी साइकिल होती है, तो वो होती है बेल कोलिमन साइकिल। अब बेल कोलिमन साइकिल होती क्या है, तो देखो एक्चुअली मतलब जब हम एरोप्लेन में उड़ रहे होंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि रेफ्रिजरेंट को लेके चलना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट की जगह पे हमने वहाँ पे एयर को भी यूज़ किया, तो एयर को जो कूल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस है, सबसे पहले कंप्रेसर लगाया जाएगा। कंप्रेसर क्या करेगा, तो जो हमारे पास एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमें पता है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद उसे हम कूलर के ट्रांसफर करते हैं, तो कूलर में जब ट्रांसफर किए तो वहाँ पे क्या करते हैं, कूलिंग के लिए वाटर यूज़ करते हैं, तो वाटर जो है ये हीट हो गया। तो अगर वाटर हीट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हीटेड वाटर है आप जमीन पे नहीं फेंक सकते, तो हीटेड वाटर जो है वो वहाँ पे बाकी जो दूसरी चीज़ें मतलब वो वाटर का यूज रहता है वहाँ पे वो लोग यूटिलाइज कर लेते हैं हॉट वाटर को, और आपका जो कोल्ड वाटर है वो बाहर निकलता है। अब ये कोल्ड वाटर विथ हाई प्रेशर जो है वो हम लोग एक्सपेंशन वॉल्व में भेजते हैं या एक्सपांडर में भेजते हैं, जहाँ पे उसका प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली डिक्रीज प्रेशर लो प्रेशर विथ लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में भेजेंगे या इवेपोरेटर में भेजेंगे, जहाँ पे वो अपने हीट एब्जॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली आपका रेफ्रिजरेंट जो है, बोलो सर जी, डिजाइन इंजीनियरिंग का ग्रुप है उसमें से एक स्टूडेंट को निकाला और उसको दूसरे ग्रुप में ऐड किया, तो निकल कौन सा सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर का बोलना बेटा, अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ। ओके, तो रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है तो मैनुअली आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने अभी फिफ्थ सेमेस्टर चालू हुआ है ना, अभी सिक्स सेमेस्टर का ओपन नहीं हुआ है ना, कब होगा ओपन, अब जब करे जीती हूँ। तो फिर उन लोग को ग्रुप बनाना है, प्रोजेक्ट डिसाइड करना है ना, ग्रुप बनाना, प्रोजेक्ट डिसाइड करना, सारे चार्ट्स बनाने, वो तो मैनुअल काम है जो उनको अभी करने हैं। जिस दिन जीटीयू ओपन करेगा उस दिन फटाफट टाइप करना है, अपलोड करना, फटाफट फोटो खींचना है, अपलोड करना, फटाफट फोटो खींचना है, अपलोड करना है। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ना जो एक ग्रुप में था उधर से हट के दूसरे ग्रुप में, उसी को प्रॉब्लम है, तो हो जाएगा ना। हाँ, आराम से, कैसे होगा वो भी सुन लो। हम तीनों ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है, लास्ट बैच में आप दोनों थे, इस बार आपने क्या किया मुझको, या लास्ट में हम तीनों थे, इस बार आप मुझको हटाना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं एज अ हम स्टूडेंट, आप लीडर बन रहे हो, तो लीडर ने अपना यूजर नेम पासवर्ड से ओपन किया, न्यू प्रोजेक्ट पे रजिस्टर किया, एंटर किया, तो न्यू प्रोजेक्ट पे पूछेगा टाइटल, डोम, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, वो सब डाला। अब नीचे बोलेगा कि ग्रुप बनाना है, तो एनरोल्ड स्टूडेंट, तो इनरोलमेंट में आपने इनका रोल नंबर डाला, जैसे एंटर किया तो ये बंदा आपके ग्रुप में ऐड होता है। Okay. और मेरा इनरोलमेंट अब जो दूसरा कर रहा है वो लोएगा और वो एंटर करेगा, तो मैं उसके साथ ऐड हो जाऊंगा। मतलब पुराने ग्रुप का नए ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है, सारा काम शुरू से बनना है। जब तक फोर्थ सेमेस्टर का मतलब थर्ड का डी टू डी नहीं होता है तब तक फिफ्थ को, वैसे फिफ्थ और सिक्स को बढ़ा देना चाहिए था, मे बी दो चार दिन में,
नहीं तो सुनो ना, बेस्ट ऑप्शन वही मैं बोल रहा हूँ, आप उनका लॉग बुक बनवा लो, उनका एब्स्ट्रैक्ट लिखवा लो, उनके कीवर्ड्स लिखवा लो, उनका एम्पैथी मैपिंग अब आपके ऊपर है। आप लॉग बुक में करवा रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो बोलो कि एक काम करो, वो चार्ट बना के लाओ, उसने सॉफ्ट भेजा था उसी में सारा कुछ कंप्लीट करके रख लो, तो जितना जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। फादर बेटर क्लैरिफिकेशन प्लीज मीट द डिजाइन कोऑर्डिनेटर। क्यों क्या उधर क्या वो क्या डिजाइन इंजीनियरिंग नोडल नोडल अच्छा कभी हो ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके इसको काय से? उसका मतलब क्या है? I didn't get any requested. Obvious बात है, six semester जब open ही नहीं हुआ, registration ही नहीं हुआ, वो तो उनको पता रहना चाहिए ना भाई। चलिए तो फिर अल्टीमेटली वो ऑपरेटर में जाएगा जहाँ पे वो हम जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोसेस अगेन एंड अगेन फ्लो। वही नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यहाँ हीट एक्सट्रैक्शन होगा, यहाँ पे एक्सपांसन होगा, देन हीट एब्जॉर्प्शन होगा, और ये उसका प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली वर्क सप्लाई ड्यूरिंग द कंप्रेशन कितना होगा, तो एम सी पी डेल्टा टी और एम इंटू सी पी टी टू माइनस टी वन। हीट कितना रिजेक्ट होगा, तो एम सी पी टी टू माइनस टी थ्री। और वर्क एक्सपांसन कितना होगा, तो एम सी पी टी थ्री माइनस टी फोर। सो और हीट एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो एम सी पी टी वन माइनस टी फोर। अल्टीमेटली नेट हीट इंटरेक्शन कितना होगा, तो जितना हीट रिजेक्ट किया माइनस कितना हीट एब्जॉर्ब, वो आ गया एम सी पी टी टू माइनस टी थ्री माइनस एम सी पी टी वन माइनस टी फोर। तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो वो वर्क डन ये हुआ कंप्रेसर माइनस एक्सपांडर। तो अब जब दोनों को एक दूसरे के इक्वेशन में मतलब सेट करके लेके जाओगे तो फॉर्मूला बनेगा टी वन माइनस टी फोर ओपन टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी वन माइनस टी फोर। अब इसके बाद आपको पता है कि T2 अपॉन T1 मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि P इज प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर P2 लिखूंगा तो यहाँ पे भी P2 आ जाएगा, अपॉन में T1 यहाँ पे अगर डाला तो अपॉन में T1 यहाँ आ जाएगा। और जब ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 टेस्ट पाव गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो इसके बेसिस पे मैंने T2 को इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल लिया, तो T2 इज इक्वल टू क्या हुआ, T1 RP रेस पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो जब लास्ट टाइम आपने पढ़ा था V2 अपॉन V1 को कंप्रेसिंग रेशियो बोलते हैं, इसी तरीके से T2 अपॉन T1 को हम लोग प्रेशर रेशियो बोलेंगे। सिमिलरली T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T4 रेस पावर गामा माइनस वन। अब T3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T4 निकाला, तो T4 इज इक्वल टू क्या हो गया, T3 अपॉन T4 रेज़ टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। अब फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2-3 एंड प्रोसेस 4-1 P2 की वैल्यू P3 के इक्वल होगी और P1 की वैल्यू P4 के इक्वल होगी। तो अल्टीमेटली ये जो आपका इक्वेशन है ये अगेन चेंज हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो T4 इंटू RP रेज़ टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। सेम है जैसे आपने कार्नोट में सॉरी ऑटो साइकिल में किया था वही था, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं, बस वहाँ पे आर था यहाँ पे आर की है।
तो सी ओ पी का फॉर्मूला कैसा हो गया, तो ये हो गया टी वन माइनस टी फोर अपन आर पी वन आर पी रेस्ट का गामा माइनस वन अपन गामा माइनस टी फोर आर पी गामा माइनस वन अपन गामा। अब इनमें से टी वन माइनस टी फोर को कॉमन कर लोगे तो आपका जो इक्वेशन बचेगा वो होगा सी पी सी ओ पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर पी रेस्ट का गामा माइनस वन अपन गामा माइनस। ठीक है, आपका ऑटो साइकिल का फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन आर एच टू पावर गामा माइनस वन, और जब यहाँ पे पी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन अपॉन गामा। इस तरीके से आप याद रख लो। ठीक है, अब एक्चुअल रिवर्सिबल ब्रेकडाउन साइकिल। तो एक्चुअल रिवर्सिबल ब्रेकडाउन साइकिल के आपके पास बस एक याद रखो कि जब आप ऑटो साइकिल बनाते हो, ऑटो का आप जो पी एच डायग्राम बनाते हो तो बिल्कुल ऐसा होता है, आपने क्या किया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखा था। ठीक है, तो अगर इस चीज़ के बारे में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये आपका वन टू टू जो रहा वो कंप्रेसर था, ये कंडेंसर है, ये आपका एक्सपांसन वॉल्व है और ये आपका इवोपरेटर है। तो जब हम एक्चुअल साइकिल में जाते हैं तो ये एक्चुअल साइकिल में ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता, ये स्ट्रेट आने का मतलब है 100%। तो आइडियल साइकिल और एक्चुअल साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या होता है, तो वो लाइन जो है वो आपकी ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, ये जो था ये वन से टू आपका एक्चुअल था, मगर वन से टू डैश जो है वो आपका आइडियल साइकिल, सॉरी वन से टू जो था आपका आइडियल साइकिल था, लेकिन वन से टू डैश जो है वो एक्चुअल साइकिल था। इसी तरीके से इवोपरेटर में क्या, सॉरी एक्सपांसन वॉल में क्या होगा, तो एक्सपांसन वॉल में अगर ये आपका थ्री है ये आपका फोर है जो आइडियल साइकिल है, तो आपका जो होगा वो एफिशिएंसी डिक्रीज करके ये हो जाएगा फोर डैश। ठीक, तो अल्टीमेटली टर्बाइन एफिशिएंसी होगी आपकी इक्वेशन की, तो आपको पहले चल रही थी वो अभी क्या हो जाएगी, एक मिनट यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, हाँ दो चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, पहला क्या था कंप्रेसर था और दूसरा यहाँ एक्सपांसन के लगा उसने टर्बाइन वर्क यूज किया। तो वर्क डन क्या होता है, तो आइडियल साइकिल अपॉन एक्चुअल साइकिल। तो अब यहाँ पे उसने क्या लिखा, पहले आइडियल का लिखा एक मिनट है टू अखा और टू डैश। ठीक, तो सबसे पहले उसने एक्चुअल का रखा, तो वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या होगा, एम इन टू सी पी टी टू डैश माइनस टी वन और एम सी पी टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई एफिशियंसी। क्यों इफिशियंसी, क्योंकि अगर मैंने 100% रखा मतलब यहाँ पे वन हो जाएगा, तो ये तो 100% होता नहीं है। तो अल्टीमेटली इफिशियंसी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हुआ, अगर मैंने ये तीनों को कोऑर्डिनेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो कंप्रेसर इफिशियंसी हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, मतलब ये आइडियल साइकिल डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइकिल। ठीक है, टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू डैश माइनस टी वन, ये आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ कंप्रेसर आपका फॉर्मूला बनेगा आइडियल अपॉन एक्चुअल। ठीक है, लेकिन जब आप कंप्रेसर के केस में जाते हो तो ये चीज़ थोड़ा सा इंटरचेंजेबल हो जाती है। इंटरचेंजेबल कैसे हो जाती है, तो ये होगा टी थ्री माइनस टी फोर डैश अपॉन टी थ्री माइनस टी फोर। देखो इंटरचेंज मतलब थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल अपॉन सॉरी आइडियल अपॉन एक्चुअल, मैं लिख देता हूँ इसको आइडियल के लिए आई अपॉन एक्चुअल के लिए ए। ठीक है, कंप्रेसर के केस में, और जब मैं टर्बाइन के केस में जाता हूँ तो टर्बाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल अपॉन आइडियल, वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर, बस ये याद रखना है। अब लास्ट टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर जो है वो वर्किंग फ्लूइड है जो नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है, अल्टीमेटली नो रिस्क ऑफ फायर, मतलब एरोप्लेन में इसकी वजह से कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सेकेंड आया एयर इज इजली अवेलेबल एंड देर इज नो कॉस्ट फॉर द रेफ्रिजरेंट, द वेट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन पर कैन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज क्वाइट लो,
Because of this reason, it is employed in aircraft. The cooled air is directly used for cooling, thereby eliminating the cost of evaporator. मतलब ultimately आप ये घर में भी practice कर सकते हैं. बस उतना pressure create करना पड़ेगा. In air refrigeration, the pressure in the whole system is quite low, hence the piping, ducting, etc. are quite simple to design, fabrication and maintenance. मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं इसमें जो ducting करता हूँ, तो ducting refrigerant के केस में क्या होता है कि भाई डक्ट जो है वो लीक प्रूफ होना चाहिए क्योंकि रेफ्रिजरेंट महंगा आता है. लेकिन अगर मैं एयर को ही डायरेक्ट फ्लो कर रहा हूँ और अगर कुछ एयर लीक भी हो जाती है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ठीक है, इसलिए इसने बोला है कि थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जो है वो कम करता है. In case where compressed air source is available, there is no need of separating compression of air refrigeration system. मतलब अगर compressed air आपको मिल रहा है तो आपको कोई compressor की जरूरत नहीं है. Ultimately, it is most suitable for aircraft refrigeration. क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपको compressed air ही मिलती है. Disadvantage: the air refrigeration is less efficient than the VCR system because of air cycle work on reverse Bethune cycle instead of reverse Rankine cycle. As such, the working fluid does not receive or reject latent heat at constant temperature. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो रिवर्सिबल बेटॉन पे वर्क कर रही है इंस्टीट्यूट ऑफ रिवर्सिबल रैंकाइन के, और अल्टीमेटली जो एयर एज एन रेफ्रिजरेंट यूज कर रही है वो कोई भी लेटेंट हीट ना रिसीव करता है ना रिजेक्ट करता है. Second, in case of air refrigeration, the refrigerating effect is equal to produce of a specific heat of air and rise of temperature of gas is low temperature scale. Therefore, the same cooling load of gas refrigeration system needs large mass flow rate and it is bulky. ठीक है, मतलब अगर मैं इसको VCR से कंपेयर करूँगा तो VCR में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की, बहुत कम होने की वजह से वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेता है. तो अगर सेम रेफ्रिजरेंट मतलब सेम सिस्टम की अगर मैं एयर यूज़ करूँ और रेफ्रिजरेंट यूज़ करूँ तो रेफ्रिजरेंट वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा मोर कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. And due to lower efficiency in bulky, air refrigeration is not often used now at all. However, air cycle machine is very common on gas turbine power, air jet craft as cooling and ventilation. Because compressed air is rarely available from the engine compression section. Such units also serve for the purpose of pressurizing the एयरक्राफ्ट. ठीक है, मतलब नाउ अडे ऐसा कोई सिस्टम अभी यूज नहीं हो रहा है लेकिन टर्बाइन पावर एयर जेट क्राफ्ट में इसको यूज करता है. इसी के साथ आपका ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ और इसका एक न्यूमेरिकल होता है. इन अ बेल कोलेमन रेफ्रिजरेशन पिन द एयर इज ड्रॉन फ्रॉम कोल्ड चैम्बर एट 1 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस and compressed to 6 bar. Air is cooled to 28 degrees Celsius into the cooler before expanding in the expander to the cold chamber pressure of 1 bar. The compression and expansion process are isentropic. Find COP of the plant, refrigerating effect per kg of air. Sorry. Assume gamma is equal to 1.4 and Cp is equal to 1.005. किलोजूल पर केजी कैल्विन. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, टी वन के वैल्यू 1 बार दिया हुआ है, टी वन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है जिसको कैल्विन में चेंज करना है, पी टू की वैल्यू 6 बार दिया है, टी थ्री की वैल्यू आपको 28 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है. अल्टीमेटली सी ओ पी फाइंड करना है और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फाइंड आउट करना है. तो पहले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फिर सी ओ पी, और अल्टीमेटली अगर आपके पास P1 और P2 दिया हुआ है तो आपको वो इक्वेशन याद होगा जिसमें आपने लिखा था T2 इज इक्वल टू P1
पी टू अपॉन पी वन रेस टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, ठीक है। पी वन पी टू देके रखा है, पी वन देके रखा है तो आपका टी टू की वैल्यू फाइंड आउट जाएगी। इसी तरीके से टी थ्री और टी फोर का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, टी फोर इज इक्वल टू टी थ्री इज इक्वल टू टी फोर आर पी रेस टू पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, तो इसकी वजह से आपका टी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर मैं शॉर्टकट में बात करूँ तो सी ओ पी क्या था, तो वन अपॉन आर पी रेस टू पावर गामा माइनस वन अपॉन माइनस वन। तो आर पी की वैल्यू आपके पास दी हुई है क्योंकि पी वन और पी टू की वैल्यू दिया हुआ है। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो आर यू की वैल्यू होती है आई टू टी वन माइनस टी फोर। टी वन की वैल्यू गिवन थी, टी फोर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टी टू की वैल्यू निकाली, सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से टी फोर की वैल्यू निकाली और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो होता है सी पी टी वन माइनस टी फोर, तो इससे उसने सी पी की वैल्यू निकाली। अब वर्क डन बाय कंप्रेसर, देखो इसने दो तरीके से सॉल्व किया है, पहला टाइम पे मतलब पहला मेथड ये था और दूसरा मेथड सी ओ पी के है, तो आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक। अब दूसरा मेथड भी समझ लीजिए, वर्क डन बाय द कंप्रेसर क्या होगा, टी टू माइनस टी वन, सी पी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सपांडर भी निकाल लिया, अब नेट वर्क डन क्या होगा, तो कंप्रेसर माइनस एक्सपांडर ये निकल आया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और कम वर्क नेट तो अल्टीमेटली से ये क्वेश्चन से निकाल दिया। अब दोनों में आप जो भी यूज़ करना चाहें, और इसी के साथ पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन सेकेंड कम्प्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल्स कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।